वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी मम्मी आई हुई है घर, मतलब अहमदाबाद, और मेरी मम्मी और मेरी बहन रहते हैं बड़ौदा, तो वो लोग जूना के बर्थडे के लिए आए हुए हैं। मम्मी कुछ बोल रहा हूँ, मम्मी स्टैचू बन के बैठी है। तो मम्मी का हम मेकओवर करने वाले हैं आज। मैंने हल्के हल्के मम्मी के कर्ल कर दिए। मेरी मम्मी कभी नहीं करती ये सब विदाउट कोई फंक्शन वंक्शन के अलावा, कभी नहीं करती। तो मैंने कहा क्योंकि ना क्यों ना आज थोड़ा सा जूना का बर्थडे भी है शाम को, तो कर्ल वर्ल का भी काम हो जाएगा और मम्मी का थोड़ा सा मेकओवर करते हैं। देखते हैं थोड़ा बहुत मेकअप है ना मम्मी के ऊपर कैसा लगता है। वैसे मम्मी के ऊपर मेकअप हमेशा अच्छा लगता है। तो आज मम्मी को हम थोड़ा साड़ी, ब्लू कलर की साड़ी है जो हमने डिसाइड किए पहनने के लिए, ब्लू कलर की साड़ी पहनेगी मम्मी, और उसके ऊपर उस टाइप में हम मेकअप करेंगे कि मतलब आप वेडिंग में एज अ गेस्ट कैसा वाला मेकअप करके जा सकते हैं, वो वाला मेकअप है कि मतलब इस एज की, मतलब मम्मी आपकी एज क्या होगी? 50 साल। मम्मी 45 to 50 एज की लेडीज कैसा मेकअप करके शादी में जा सकते हैं, तो वो ये वीडियो उससे रिलेटेड हो। तो हम मेकअप करते हैं स्टार्ट मम्मी का। मम्मी बोलती मेरे को लिपस्टिक लगा दे, मेरे लिप्स बहुत काले काले लग रहे हैं। मम्मी अभी हम डालेंगे ही, तो मम्मी बोलती नहीं नहीं अभी कर दे। अच्छा यहाँ पे लाइट मम्मी ज़्यादा आ रही है थी, इसलिए मैं काली लग रही थी, अभी मैं बुरी लग रही, अब का लाइट फेड कलर है। तो आप चलो आपके चश्मे डालते हैं आपके बाल। जोना से थोड़ा दूर रखना है मेरा ससुर। हाँ जोना उठा के कर देती है। तो अब कर दिया मैंने मेकअप स्टार्ट। पहले थोड़ी सी फ़ैन की आवाज़ आ रही थी, मैं फ़ैन के बिना रह सकती हूँ, हॉल में एसी नहीं था तो फ़ैन चालू किया। मम्मी को ऐसे गर्मी में नहीं रख सकते ना, तो मेकअप स्टार्ट किया। मम्मी ने लगाया था टीका, तो वो मेरे पास जो जेल था जेल से मैंने क्लीन किया, फिर मैंने थोड़ा सा मम्मी को मॉइस्चराइज कर दिया था, मम्मी ने सुबह ही कर लिया था। फिर मैंने लगाई सनस्क्रीन, फिर मैंने उसके बाद लगाया प्राइमर, फिर मैंने मम्मी का जो अंडर आई में डार्क डार्क हो रहा था फिर मैंने डार्क कलर का कंसीलर लगाया, फिर मैंने हाथों से ही किया क्योंकि मेरी मम्मी की यहाँ पे आईज़ के यहाँ पर रिंकल्स थोड़े हो रखे हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, तो मैंने फिंगर की हेल्प से किया। फिर मैंने लगाया फाउंडेशन। मैं मम्मी बीच बीच में लड़ भी रहे थे गप्पे, मतलब लड़ इन द सेंस वो हेल्दी का वो होती ना फाइट, वो करते मम्मी बोलती शादी कर ले शादी कर ले, मैं बोला मम्मी पहले मेकअप कर लेते हैं मेकअप कर लेते हैं मेकअप कर लेते हैं। फिर मम्मी की बनाई आईब्रो, बस वही मेरा मम्मी का तुतु मैं चल रहा था। फिर काजल लगाया मेरे मम्मी को, मम्मी बोलती देख मैं इतनी बूढ़िया हो गई हूँ ऐसी हो गई हूँ फिर कैसे, तब तो मेकअप भी नहीं अच्छा लगेगा तेरी शादी में, तो बस वही चल रहा था मेरा और मम्मी का। फिर मैंने मम्मी को लगाया शेड्स ब्राउन कलर का, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल मतलब नॉर्मल मेकअप किया है कि आप शादी में कर कर आएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे 45 to 50 एज की लेडीज़ करके आते तो फिर लोग बोलते हैं कि इतना गंदा लग रहा है इतना ज़्यादा लग रहा है, तो बिल्कुल लाइट लाइट मेकअप किया। मम्मी को कोई लाइनर वाइनर नहीं लगाया, उसी ब्लैक से मैंने हल्का सा उसमें लाइनर के हिसाब से कर दिया। फिर मेरी मम्मी को थोड़ा सा ब्लश लगाया, थोड़ी चमचम थोड़ा चमके ना मेरी मम्मी भी लाल टमाटर की तरह, फिर थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दिया बिल्कुल थोड़ा सा, जो भी मैंने किया बहुत कम ब्रश यूज़ किया। फिर मम्मी को थोड़ा कॉन्ट्रिंग कर दिया, मम्मी बोलती है अब तो मेरी डबल चिन थोड़ी कम हो गई। फिर ब्लू कलर की बिंदी लगा दी मैंने मम्मी को, फिर लगाया हल्का सा मस्कारा, मतलब जो भी किया बहुत हल्के हाथ से हल्का हल्का। फिर मैंने लगाया मम्मी को लिपस्टिक, मम्मी बोलती मुझे लिपस्टिक लगा मेरे लिप्स काले लग रहे, पहले भी बोल रही थी, मैंने बोला लास्ट में लगाएंगे पूरा मेकअप और पता तो चलना चाहिए ये मेकअप किया। तो ये है मेरी मम्मी का फाइनल लुक। बताओ मेरी मम्मी कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत नॉर्मल मेकअप किया है, ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि मेकअप है, ओवर नहीं है, बिल्कुल केकी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग केकी मेकअप करते हैं तो केकी मेकअप बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल बहुत कम मैंने फाउंडेशन लगाया, बहुत आँखों के यहाँ पर थोड़ा सा कंसीलर लगाया, बस काजल लगाया वो लगा। और मैंने मम्मी को पिलाई ब्लू कलर की साड़ी। ये है मेरी मम्मी का लुक, और मम्मी ने पहना है गले में ये मैंने मीशो से मंगाया था वो। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी मम्मी का लुक आप लोगों को कैसा लगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल।